सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टेक्निशियन को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को आगे और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निशियन में और मैं हूं आपका होस्ट गौरव। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक व्हाट्सएप की ट्रिक बताने वाला हूं। शायद वो ट्रिक तो नहीं बट एक ऐसा फीचर है जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे और ये अभी ही आया है, यानी कि रिसेंट दिनों में ही आया है और आप लोगों ने जो है ध्यान नहीं दिया होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो है अगर आप व्हाट्सएप के अंदर किसी चैट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करते थे पहले तो आप ओनली डॉक फाइल या फिर पीडीएफ फाइल या फिर ऐसी कोई फाइल जो कि वर्ड सपोर्ट करता है तो वही भेज पाते थे। बट अब जो है अगर आप ट्राई करेंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके तो आप किसी भी टाइप की फाइल भेज सकते हैं, यहां तक कि आप एपीके फाइल भी भेज सकते हैं, यहां तक कि आप mp4.mov या फिर किसी भी टाइप की जो है फाइल आप भेज सकते हैं, किसी भी एक्सटेंशन की फाइल आप भेज सकते हैं। तो यहां पे जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी एक .apk फाइल जो है जो कि एक एप्लीकेशन फाइल है, आईनोड एप्लीकेशन फाइल .apk फाइल, वो मैंने सेंड की है तो वो सेंड हो चुकी है यूजर को। और यहाँ पे मैं कुछ और फाइल्स भी सेंड कर लेता हूँ ताकि आपको जो है पता चल जाए कि ये एकदम सच है। और पहले ऐसा होता नहीं था, यानी कि पहले जो है आप कुछ फाइल्स ही सेंड कर पाते थे, जैसे कि .pdf फाइल, .doc फाइल, वही आप सेंड कर पाते थे, या फिर .txt फाइल, ठीक है। बट अभी जो है आप किसी भी टाइप की फाइल जो है आप सेंड कर पाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके, ठीक है। तो ये सर्वर अपडेट है, यानी कि ये जो है आपको किसी व्हाट्सएप की अपडेट के अंदर नहीं मिलेगा, ये सर्वर अपडेट है, सर्वर से ही ये डायरेक्टली अपडेट हो चुकी है। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक अपने व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किया है तो प्लीज अपडेट कर लीजिए ताकि आप जो है इस फीचर का फायदा उठा सके। अगर आपको फिर भी जो है इस ये फीचर जो है नहीं मिलता है तो आप जो है व्हाट्सएप का बेटा प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है आप .jpg फाइल भी सेंड कर सकते हैं, .png फाइल भी सेंड कर सकते हैं और किसी भी टाइप की जो है फोटोग्राफी फाइल भी आप जो है सेंड कर सकते हैं विदाउट रेजोल्यूशन लॉस के, यानी कि यहाँ पे कोई भी रेजोल्यूशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिस साइज में आप जो है कोई फाइल भेजोगे तो उसी साइज के अंदर जो है आपको यूजर सामने वाले यूजर के पास जो है वो फाइल पहुंच जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और यहाँ पे काफी बड़ा जो है ये चेंज किया है व्हाट्सएप ने सर्वर साइड से। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपको ये फीचर नहीं मिल पा रहा है आपके व्हाट्सएप के अंदर तो आपको जो है व्हाट्सएप का बेटा प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना होगा, वहां पे सर्च करना होगा व्हाट्सएप। यहाँ पे आप व्हाट्सएप के पेज पे आते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे जो है प्रोग्राम का बटन मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे अभी लीव का बटन है तो यहाँ पे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक करके इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना होगा। तो उसके बाद में एक्चुअली होगा क्या कि व्हाट्सएप जो भी नया अपडेट डालता है तो वो पहले बेटा टेस्टर्स को मिलता है टेस्टिंग पर्पस के लिए, उसी के बाद जो है वो पब्लिकली अनाउंस होता है, पब्लिकली जो है सभी को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये फीचर जो है आपको मेरी तरफ से ही मालूम चला है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप जैसे और भी जो लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगा और उनको भी जो है इस फीचर के बारे में मालूम चल सकेगा। दोस्तों आगे और भी ऐसे एक्साइटिंग व्हाट्सएप ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड स्टे सेफ।